के शर्मा जी, स्पष्ट है कांग्रेस का एजेंडा स्पष्ट है कि जैसे बजरंग दल के नाम पर गुंडई फैलाई जाती है या बजरंग दल के नाम पर जो घटनाएं सामने आती हैं उसको देखते हुए कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है अपना एजेंडा। अब इसमें बजरंग बली को जोड़ देना, इसमें हिंदू मुस्लिम को जोड़ देना, तुष्टिकरण तो आप भी कर रहे हैं। नहीं, पहले मुझे प्राची जी इतना ही कहना है कि मुद्दा किसने बदला है कर्नाटक में। हम गए थे खड़गे साहब के कान में फूंक के कहने के लिए कि आप जहरीला सांप बोलो। खड़गे साहब के जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, हम गए थे उनको कहने के लिए कि नालायक बोलो, और हम गए थे इन कांग्रेसियों को कहने के लिए कि अपनी मैनिफेस्टो में आप बजरंग दल और इसकी तुलना साथ करो। जब आपकी जमीन वहां खसकने लगी है, आपको समझ आ गया है कि आप वहां चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, तो आप तुष्टिकरण का कार्ड कर रहे हैं। हनुमान जी का जो है, आप बजरंग बली या हनुमान जो उसको मानने वाले लोग हैं या उनके नाम से कोई संस्था दी, आपके पास कोई तथ्य है, तर्क है, तो आप कार्रवाई कर लेते। आपके पास तो राजस्थान में भी सरकार है, आपके पास छत्तीसगढ़ में भी सरकार है, आज तक कोई कार्रवाई कर पाए क्या आप वहां पर? तो केवल वहां आपको तुष्टिकरण करना है मुसलमानों का, इसलिए आप अपने इसमें लिख रहे हैं कि हम जो है बजरंग दल को इसके साथ लाएंगे। अभी इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला। यदि मैं सुरेंद्र राजपूत को कहता हूं कि आप दिखाओ कहां पर लिखा है भाजपा ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्र वो है, वो संगठन, हमने तो इनसे, उनकी सरकार थी, हमने इनसे पूछा था केंद्र सरकार की ओर से कि आप उनके दस्तावेज भेजिए पीएफआई के। अपने शासन में इन्होंने पीएफआई का कोई दस्तावेज इस तरह का नहीं भेजा कर्नाटक की सरकार ने, और 1700 पीएफआई के जो आरोपी थे उनको इन्होंने बकायदा उनके ऊपर से केस हटाया, उनको जो है रिलीफ दिया। ठीक, तो ये कांग्रेस जो है जो मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए मानी जाती है, और खासकर आतंकियों संगठन के लिए, और ये इस बात पे ये किसको नहीं जानकारी है कि सोनिया गांधी के आंखों से रात भर वो सो नहीं पाई, और बाटला हाउस कांड के बाद जो है उनके आंखों से आंसू बहते रहे, ये बात हमने। लेकिन आप भी तो इतिहास को आप भी तो उठा उठा कर लेकर आते रहते हैं के शर्मा जी, आप भी तो इतिहास की लकीर पीटते रहते हैं। आपके पास मुद्दे हैं, आपकी सरकार थी, आप उपलब्धियों को गिनाइए ना, आप क्यों उनके तुष्टिकरण वाले जाल में फंसते जा रहे हैं? प्राची जी, आप भी सभाभवन से पूछ रही, हम तो डेवलपमेंट के मुद्दे लेकर बात ही कर रहे हैं अपने। लेकिन यदि आप इस तरह से वहां पर वैमनस्यता फैलाएंगे, इस तरह से आप तुष्टिकरण करेंगे, तो हम जबान बंद करें? हम राजनीतिक दल है ना, ये समाज के मुद्दे नहीं है क्या? ये समाज के मुद्दे नहीं है कि आप तुष्टिकरण के लिए किसी समाज, किसी धर्म, आप हिंदू धर्म को आप आतंकी कहो, चलिए इसका जवाब राम के अस्तित्व पर इसका जवाब सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे उससे पहले बाकी मेहमानों को मैं चर्चा में ले आती हूं। ठीक है, एक सेकंड, मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में ले आती हूं। अनुराग भदौरिया जी कांग्रेस के हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी सामने तो कांग्रेस के चेहरे हम दिखाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, चाहे कर्नाटक हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आरोप इसी तरीके के बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि पूरा का पूरा विपक्ष तुष्टिकरण करने में लगा हुआ है। कर्नाटक में चाहे बजरंग दल को बैन करने की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ के हत्या का मामला हो या फिर उसके खात्मे का मामला हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समस्या ये हो गई है कि सत्ता में रहती है तो सत्ता का धर्म नहीं निभाती है, विपक्ष में रहती है तो विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है। भाई, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी वहां पे है, चुनाव आ गया, जहां जहां चुनाव आता है वहां आपको अपनी उपलब्धि गिनानी चाहिए। आप गिनाइए कि आपने कर्नाटका में क्या क्या किया है इन सालों में, जितने साल आपकी सरकार रही है। तो उपलब्धि नहीं गिनाने की बजाय आप इधर उधर की बातें करते, इसका मतलब क्या है? भाई, सत्ता में आप रहे हैं ना, तो आप बताइए ना, आपने कितने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए, आप बताइए आपने कर्नाटका में कितना रोजगार दिया, आप बताइए कर्नाटका में आपने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स बनवाए, आप बताइए कर्नाटका में आपने शिक्षा व्यवस्था में क्या किया, आप बताइए युवाओं के लिए आपने क्या किया, आप बताइए कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया, आप बताइए कि आपने विकास में क्या क्या योगदान दिया है, और आपने किस कौन कौन सा विकास किया है, वो डंकी की चोट पे गिनाइए। तो भारतीय जनता पार्टी वो ना गिना के उसको लगता है सबसे इजी और बहुत ही आसान मुद्दा होता है कि आप इस नफरत की बात करो और थोड़ा सा इधर उधर की बात करो तो शायद उससे आसान होगा, उससे प्रचार करना आसान होता है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान में सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, हिंदुस्तान में शांति कैसे रहे, हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े, हिंदुस्तान कैसे विकास के रास्ते पे जाए। तो ये तो तभी होगा ना जब हिंदुस्तान के अंदर में अमन, माने एक दूसरे से सब मिलके रहेंगे और विकास की बात होगी। तो उसपे राजनीति क्यों नहीं हो रही है, विकास पे राजनीति क्यों नहीं हो रही है, मेरा सीधा सा सवाल, इस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती? इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।